Hello and welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to review the Garnier Hydro Bomb Sheet Mask. ये बहुत फेमस है और मुझे इनकी फेमस होने की वजह मुझे मिल भी गई कि ये इतने फेमस क्यों है, बिकॉज ये इतने कमाल के हैं. आई हैव यूज्ड मैनी शीट मास्क, मैंने काफ़ी यूज़ किया है, काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स के यूज़ किए हैं, कंपनी के यूज़ किए हैं, लेकिन जो मज़ा और जो सेटिस्फेक्शन मुझे इन शीट मास्क को यूज़ करने में से मिली है ना, आई डोंट थिंक कि मैंने जो भी शीट मास्क यूज़ किए हैं उनसे मुझे वैसा इफ़ेक्ट नज़र आया हो. ये बहुत ही कमाल के हैं. अच्छा, एक और चीज़, हम समटाइम हम रैंडमली पिक कर लेते हैं शीट मास्क को, और इसीलिए शायद हमें वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाते. तो इनके पास गार्नियर की डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है शीट मास्क में, स्किन टाइप के लिए, डिफरेंट स्किन टाइप के लिए, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग शीट मास्क हैं. सो डू ट्राई दीज शीट मास्क, अपने स्किन प्रॉब्लम को देखें और अपने स्किन टाइप को लेके इनके डिफरेंट शीट मास्क ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कमाल रिजल्ट मिलेगा. अच्छा, तो मेरे पास अभी 3 शीट मास्क हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं. सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू. ये किसके लिए, किन स्किन टाइप के लिए और कैसे कैसे इफेक्टिव हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट शीट मास्क विच आई हैव, दिस वन. सॉरी, आई हैव अ सॉर थ्रॉट. ओके, सो जी ये है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए. ये ग्रीन कलर का शीट मास्क है. इट हैज़ हाइलोरोनिक एसिड प्लस ग्रीन टी. ओके, जिनकी स्किन ना इतनी ऑयली है ना इतनी ड्राई होती है, उनका सिर्फ टी जोन ऑयली होता है, वो भी कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो वो होती है नॉर्मल स्किन, ठीक है. और उनके लिए ये शीट मास्क बहुत ही अच्छा है, ठीक है. इट हैज़ हाइलोरोनिक एसिड. अच्छा, मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत कंसर्न रहती हूँ अपनी स्किन को लेके कि कुछ मतलब कोई स्किन जो कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो मेरी स्किन के लिए एलर्जिक ना हो जाए. तो ये यूज़ करने के बाद, ये शीट मास्क यूज़ करने के बाद मुझे हाइलोरोनिक एसिड पे एक ट्रस्ट आ गया था कि वो इतना कमाल का इंग्रेडिएंट है. मैं सुनती रहती थी, लेकिन ये यूज़ करने के बाद मुझे फील हुआ कि बहुत अच्छा है. ओके, यहाँ पर इसकी बैक पे भी काफ़ी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, डायरेक्शंस दी हुई हैं, और इनकी पैकेजिंग भी बहुत कमाल है, बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही स्लीक पैकेजिंग होती है. और इट हैज़ वेट ऑफ 28 ग्राम्स एंड दे से इन्फ्यूज्ड विद 1 बॉटल ऑफ सीरम. सो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा है. और 15 मिनट्स के लिए इसकी एप्लीकेशन होती है. फर्स्ट स्टेप है आपने अप्लाई करना है पूरा मास्क, ठीक है, और पूरा सीरम अपने फेस पे अप्लाई कर देना है. देन 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दें, देन उसको रिमूव करके उसी सीरम को अपने फेस पे मसाज कर लें सर्कुलर मोशन में. और लास्ट वाला जो स्टेप है वो ऑप्शनल है. ओके, नेक्स्ट है माई फेवरेट, बिकॉज माई स्किन इज़ ड्राई एंड सेंसिटिव एज वेल. सो ये वाला शीट मास्क उन लोगों के लिए एक मिरेकल से कम नहीं है, बिकॉज ये मैंने खुद यूज़ किया और मुझे इसके इतने आला रिजल्ट मिले थे ना, आई कॉन्ट इवन टेल यू इन वर्ड्स कि बहुत 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 ही कमाल का था. ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है. ये देख लें इसकी लुक, ये है जी हाइलोरोनिक एसिड प्लस कैमोमाइल, ठीक है. सो ये जिनकी स्किन ड्राई है, डू ट्राई इट प्लीज़. लाइक मैं इंसिस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को ये रिकमेंड किया था, उसकी स्किन भी ड्राई थी, तो उसने जब ये यूज़ किया और जब मैंने यूज़ किया था, मुझे सेम रिज़ल्ट उसके फेस पर दिख रहा था. इतना ग्लोई, इतना शाइनी, आई कॉन्ट इवन टेल यू. अच्छा, पीछे लिखा हुआ है कि जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, रेडनेस होती है, तो उनके लिए ये बेस्ट है, ठीक है. और नीचे भी लिखा भी हुआ है कि आफ्टर 15 मिनट्स आपको ये रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है. आपकी स्किन में शाइन आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाएगी बिकॉज इट हैज़ हाइलोरोनिक एसिड. और इसके अलावा डायरेक्शंस बिल्कुल सेम है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, और लास्ट स्टेप एक ऑप्शन है कि इसको रिमूव कैसे करना है. अच्छा, ये देखिए लिखा भी हुआ है कि आपकी स्किन को बिल्कुल सूथ कर देगा, और ये जेन्युइनली करता है. अच्छा, इन सब शीट मास्क का एक है कि ये क्लेम करते हैं कि इनका इफेक्ट 1 वीक तक फॉर श्योर रहता है, और गारंटीड वाकई 1 वीक से ज़्यादा ही रहेगा इनका इफेक्ट, अगर आप प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली आपने यूज़ किया है 15 मिनट तक और प्रॉपरली मसाज किया, तो वाकई में इनका इफेक्ट मोर देन 1 वीक जाएगा. अगर लाइक 1 वीक तो कन्फर्म है, तो ऊपर ऑफकोर्स जाएगा, लेकिन लाइक आई कॉन्ट टेल यू, लेकिन ये बहुत 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 अच्छे हैं. अच्छा, ये है जी थर्ड शीट मास्क. ये है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन डिहाइड्रेटेड होती है. अच्छा, लाजमी नहीं है कि हर स्किन टाइप का यही हो कि मेरी स्किन ड्राई है या ऑयली है या नॉर्मल है, एक्नी प्रोन है ये वो,
कुछ लोगों की स्किन में प्रॉब्लम नहीं होते, लेकिन एक होता है कि वो उनकी स्किन स्टिल उनकी स्किन डल दिखती है, तो ये उन लोगों के लिए ये वाला शीट मास्क बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा है। अच्छा अगेन वही सब कुछ डिस्क्रिप्शन सेम है और एवरीथिंग इज़ ऑल सेम। इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड एंड प्लस पोमेग्रेनेट, सो ये आपकी स्किन को एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड कर देगा। और लिखा भी हुआ कि ये जिनकी स्किन पे रिंकल हैं उन लोगों के लिए बेस्ट है, और जिनकी स्किन थोड़ी सी लाइक लूज होती है उनकी स्किन को टाइट कर देगा, और जिनकी स्किन ऑफ कोर्स डल है, डल मींस डिहाइड्रेटेड, तो उन लोगों की स्किन को ये हाइड्रेटेड बना देगा। सो ऑफ कोर्स सबकी पैकेजिंग सेम है। अच्छा इनकी स्किन रेंज में ऑयली स्किन वालों के लिए भी एक शीट मास्क है, वो है चारकोल शीट मास्क, और वो मैं इनकी पिक्चर यहाँ पर डाल देती हूँ, वो कुछ ऐसा दिखता है। और वो वाला शीट मास्क उनके लिए बेस्ट है जिनकी स्किन ऑयली बहुत ज़्यादा, यानी उनकी ऑयल प्रोडक्शन बहुत होती है उनके फेस में, तो वो ये शीट मास्क उनके फेस पे ऑयल प्रोडक्शन को रोक देगा और उनकी स्किन को मैट लुक देगा। तो लिखा भी हुआ है कि इनकी स्किन को मैटिफाई करने के लिए ये शीट मास्क बेस्ट है जिनकी स्किन ऑयली होती है। सो ये थे जी, ये था रिव्यू इन शीट मास्क को लेके। आई होप यू हैव वॉच द होल वीडियो, आपको समझ आ गया होगा ये शीट मास्क कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है, अपनी स्किन टाइप को देखे ही आप चूज़ करें। और जिन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं, ज़रूर शेयर करें, और जो करना चाहते हैं वो यूज़ करें, उसके बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। If you have liked my video, then do subscribe and like my video and share it with your friends. Thanks for watching. Bye.